एक बार जरा आपको सुनाते हैं, विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक के पास है, पुराना इंटरव्यू है, लेकिन क्या थी इसकी सोच, कैसे पुलिस तंत्र, राजनीतिक तंत्र, सबका संरक्षण इसको मिला होता था, पहले सुनिए फिर आपसे सवाल करूंगी मैं। सांगा साहब, पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए, कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं, जाता रहता ही है, लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ, जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले इकोनॉमिक्स सीखूंगा वहाँ की, तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने, जितने भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया। ऐसा है 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। नहीं, हाँ, उसमें हमारा हाईकोर्ट से बहाल है, सस्पेंड है। हाँ, और आप आगे की रणनीति, देखिए ऐसा है कि मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ, मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है गीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे बीटी से ग्राम पंचायत से, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से, तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे 2006 का ये इंटरव्यू है। सांगा साहब कह रहा है सारी पार्टियां जेब में है, हर पार्टी से ऑफर है, लोग मेरे जो भी जहां भी मैं चाहूं मेरे सारे दोस्त बने हुए हैं तमाम पार्टियों के, आपका भी नाम फिर उसके बाद 2017 वाले वीडियो में है। क्या यकीन करें और क्यों ना माने कि ये गैंगस्टर जिस तरह की शय पर इतने दिनों फलता फूलता रहा उत्तर प्रदेश की जमीन पर, वो तमाम लोगों के नाम ले रहा है, आप ही समझाइए ये क्या था अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं था तो। देखिए आप इतिहास उठा के देखिए इन 20 सालों का, इन 20 सालों में ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी ये जेल भेजा गया है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तब इनको गनर दिए गए हैं, इनको सुरक्षा दी गई है। एसएसपी ने उस चिट्ठी का कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? मिस्टर सांगा, कौन सा ये आपका पॉलिटिकल पुलिस का नाइवेंस चल रहा है? मेरा सवाल पूरा सुनिए, जब एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी सीओ देवेंद्र मिश्र ने, तो एसएसपी ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? कौन सा नेक्सस चल रहा है ये? अगर ये एसएसपी स्तर तक ये नेक्सस है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? अंजना जी मेरी बात को सुनिए, मैं स्थानीय उस क्षेत्र का हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्रारंभिक जांच जब से इस घटना की शुरू हुई है, जो जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, और आज जो ये पत्र सामने आया है निश्चित रूप से ये पत्र बड़े बड़े अधिकारियों को भी संदिग्ध स्थिति में ला रहा है। निश्चित रूप से जो देवेंद्र मिश्रा जी सीओ महोदय ने जो ये पत्र लिखा है उनको पूर्वाभास था, उनको वहाँ की स्थितियों का आभास था, और कहीं ना कहीं एसओ की भूमिका साहब के सामने आ चुकी है, वो सस्पेंड किया जा चुका है, उस पर उसकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, अन्य जो थाने के कर्मचारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर स्थानीय स्तर पे जो भी पुलिस के कर्मचारी उसमें शामिल हैं जिनका दोष पाया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश जी, अंजना जी देखिए सही मानों में बीजेपी का यही विकास हो रहा है, यही विकास है, एक को पुलिस ढूंढ रही है, एक को जनता ढूंढ रही है। इस व्यक्ति पे इतने मुकदमे थे लेकिन जब प्रदेश की सरकार एक प्रदेश लेवल की और एक मंडल लेवल की सूची, हेडक्वार्टर लेवल की सूची जारी करती है टॉप 10 अपराधियों की, उसमें इसका नाम भी नहीं होता, जबकि 60 FIR हैं, मुकदमे कितने होंगे ये बात अलग है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई है इसका सत्ता में बैठा व्यक्ति, पुलिस प्रशासन जिस एसएसपी लेवल तक से जो चिट्ठी लिखी जा रही है वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई प्रशासन में भी बैठा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बड़ी बात, ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट
बनती जा रही है, जेल में मर्डर हो रहे हैं, हुए थे मर्डर में, जो सत्ता के साथ है उनके साथ लोग हैं बैठे हुए, क्रिमिनल बैठे हुए हैं। आपको बुलंदशहर का एक घटना याद होगा, दिन दहाड़े दंगा हुआ था, उसमें एक इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी और जो मारने वाला जब पकड़ के बाद कुछ समय बाद छूट गया तो उसको हीरो जैसा स्वागत करके किया गया। ये सब क्या हो रहा है, क्यों ये सब किया जा रहा है? क्योंकि इस सरकार को क्रिमिनल अच्छे लगते हैं।